शामली जनपद में देहात के किसान सेवा सहकारी समितियों पर खाद को लेकर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। किसानों का आरोप है वे 3 से 4 दिन तक लगातार खाद लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस पर हम आज जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर हरिशंकर सिंह से बातचीत करते हैं, आइए उनका क्या कहना है जानते हैं। डॉक्टर हरिशंकर सिंह जी। हाँ, मैं डॉक्टर हरिशंकर, जिला कृषि अधिकारी शामली। आपने कहा है कि किसानों में जो है काफ़ी भीड़ लगी हुई है, अभी जो खाद किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही, इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िले में चाहे वो यूरिया हो, चाहे DAP हो, चाहे NPK हो, सभी प्रकार के खादों की पर्याप्त उपलब्धता है। बशर्ते अभी थोड़े दिन पहले कुछ समस्याएँ आई थी, जो हमारी सहकारी समितियाँ हैं वहाँ पर गेहूं क्रय केंद्र भी स्थापित हैं, तो वहाँ पर कुछ जगह की कमी होने की वजह से कुछ हल्की फुल्की समस्या आई थी। और इसके बाद जो है जो ट्रक थे जो गेहूं के ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए थे, इस वजह से थोड़ी 2-4 दिन समस्या आई थी। अब वो सारी समस्याएं बिल्कुल दुरुस्त हो गई हैं। टाइमली PCF गोदाम से, जसाला से और हमारे PCF गोदाम मंडी परिसर के साथ IFFCO के सेंटर से लगातार समितियों में DAP यूरिया जा रही है। अब जो पूर्व की जो समस्याएं थी वो सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, किसानों को किस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अभी भी 2 दिन पिछले भी हमारी एक रैक आ चुकी है पर्याप्त जिले में, बस थोड़ा सा ये सैटरडे संडे की वजह से हो सकता है कुछ है। और गेहूं के जो ढोने में हमारे ट्रक लगे हुए हैं तो उस वजह से कुछ 2-4 दिन समस्याएँ आई थी, लेकिन अब सारी समस्याएँ सामान्य तौर पर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जनपद में अब कितना खाद उपलब्ध है फिलहाल? जनपद में वैसे मैं आपको बताऊं 33,000 का लक्ष्य हमारा वार्षिक लक्ष्य यूरिया का है, जिसमें हमारा अभी देखिए मई जून अप्रैल के बाद जो 12,000 के लगभग जो हमारी उपलब्धता है अभी यूरिया की, जो कि अभी 2 ही महीने स्टार्ट हुए हैं, मार्च के बाद अप्रैल मई जून तीसरा महीना शुरू हुआ है, तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। इसी हिसाब से DAP का भी हमारे 13,000 का लक्ष्य है वार्षिक, उसमें भी हमारा जो है 3,500 MT के लगभग जो उपलब्धता है, और 3,000 के सब हमारे MOP का लक्ष्य है, उसमें हमारा 800 MT के लगभग जो है ज़िले में उपलब्धता है। तो हमारे हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से, जो भी हमारी सोसाइटियाँ हैं, समितियाँ हैं, PCF हैं, हमारे गोदाम्स हैं और जो निजी डीलर्स हैं, उन सबको मिला के ज़िले में पर्याप्त उपलब्धता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ज़िले में। अच्छा, और बहुत ही सही ढंग से जुनून रेट से जो भी शासन की मंशा है, जो भी शासन के द्वारा दरें निर्धारित हैं, चाहे वो DAP पे हो, चाहे यूरिया पे हो, चाहे MOP पे, बिल्कुल उसी रेट पर निर्धारित मात्रा में मिल रही है। और POS मशीन से मिल रहा है, उसमें एक स्लिप निकाल के किसान को दी जाती है और एक स्लिप जो है वो डीलर जो है खुद अपने उसमें सुरक्षित रखता है। और आधार कार्ड के बिना नहीं दिया जा रहा है, पूरे आदेश हैं। और आपको ये बिल्कुल बता दूं कि पूरे प्रदेश में जब बिना आधार की जो डाटा जारी हुआ था प्रदेश स्तर से, तो केवल पूरा शामली जिला ऐसा जिला था जो केवल बिना आधार का एक भी कट्टा नहीं बेचा गया था, शामली जिले की स्थिति है। और अब तो किसानों डीलरों को मतलब सीधे निर्देश हैं कि आप बिल्कुल खतौनी के आधार पर जितना जिसका रकबा है, जितना एरिया, उस हिसाब से ही आप जितनी रिकमेंडेशन है, जितनी संस्तुति है, चाहे वो गन्ने के लिए, चाहे धान के लिए, चाहे सब्जियों के लिए, जितनी जिस फसल की जितनी संस्तुति मात्रा की गई है वैज्ञानिक तरीके से, उतनी ही उपलब्ध कराए, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ये थे हमारे साथ जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर हरिशंकर सिंह जी। इनका कहना है कि जनपद में खाद की कोई कमी नहीं है, भरपूर उपलब्धता है। 2-3 दिन पहले जरूर थोड़ी दिक्कत आई थी, जिसको दूर कर दिया गया है। राजेंद्र सिंह, यहाँ 3-4 दिन से खाद आ रहा है, वो खाद बट नहीं रहा सही ढंग से। किसान यहाँ 3 दिन से पड़े हुए, काफ़ी परेशान हो रहे। किसानों की कोई भी समस्या यहाँ हल नहीं हो रही। किसान जो है यहाँ हर तरह से परेशान है, कभी मशीन बंद हो जा, कभी चालू हो जा, इससे किसानों को काफ़ी दिक्कत आ रही। जयपाल सिंह, गांव गागोर। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम 5 दिन हो लिए खाद पर लगे हुए हैं, खाद मिल नहीं रहा। ये छुक्कर में, ये बृहस्पति में खाद आ चुका था, और कभी कह जाए कुछ, कभी कह जाए कि यू चढ़ा नहीं वहाँ, और खाद पड़ा यहाँ गोदाम में, कनक ये कहते हैं चढ़ा नहीं यू, कैसे चढ़ागा भाई यू। अच्छा, एक आधार कार्ड पे, आधार कार्ड
वाला भी चाहिए यहाँ जो आज जिसका आधार कार्ड है, और नहीं उस और अगर ले रहे हो आधार कार्ड घर के उसे कोई खाद नहीं मिलेगा। कस्बा उनका रहने वाला, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक महीने में मात्र 400 कट्टे पहले आए और 1300 कट्टे अब आए। जितने कट्टे आए उतने ही किसान है, बहुत ज्यादा भारी भीड़ है। किसानों को एक आधार पर 5 कट्टे दिए जा रहे, डाई पोटास की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। इसको कहना का और अच्छी तरह से खाद आवे, किसानों को सुविधा से खाद मिले तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। खाद की क्या समस्या है एमडी साहब? खाद जिले में खाद खत्म हो रहा था और अभी दो दिन पहले रैक लगी थी, उस रैक में हमारे पास 60 टन की आ चुका और 30 एम टी सीढ़ी आ जाएगा। इससे पूर्व कितना खाद आ चुका? इससे पूर्व भी 7 दिन पहले हमने 18 एम टी और भी वितरित किया था, सामने में खत्म हो रहा था खाद अभी। थानाबोन क्षेत्र में यूरिया और डीएपी की क्या स्थिति है? कब कब यूरिया और डीएपी आ रहा है आपकी तरफ से? सर हाँ जी सर, इसमें डीएपी की आज एक रैक लग चुकी है शाम स्टेशन में जी, वो गोदाम में जसाला गोदाम पर ढोई जा रही है, कल से सप्लाई शुरू हो जाएगी तो कल या परसों डीएपी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। और यूरिया आया हुआ है वो आज रैक की वजह से आज आना था, आज नहीं आया तो कल परसों में यूरिया डीएपी दोनों उपलब्ध हो जाएंगे। पिछली बार कब आया था यूरिया और डीएपी? अभी पिछले हफ्ते हमारे पास यहाँ पे 500 कट्टे यूरिया के और 400 कट्टे डीएपी के आए थे, अभी एक हफ्ते पहले आए थे। अभी खाद की जिले में कोई शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन की वो गेहूँ खरीदी वजह से वो हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, तो अभी अगले हफ्ते में सामान्य हो जाएगा, पूरे जिले में कोई दिक्कत नहीं है, खाद की कोई शॉर्टेज नहीं है। जनवाणी न्यूज़ के लिए कैमरामैन नरेंद्र चिगारा के साथ राजपाल पारवा, शामली।